नमस्कार, मैं निशा सरोज, खबर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। खबर राजस्थान में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के शाहपुरा शहर की, जहां राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जिला की बैठक का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा शाहपुरा में किया गया था, जिसमें राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद व्यास, सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश मामनिया, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश प्रतिनिधि जयकांत, शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष शाहपुरा महेश शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी शाहपुरा रामेश्वर बाल्दी सहित अन्य गण्यमान्य उपस्थित रहे। इस मौके पर राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जिला शाहपुरा के जिला अध्यक्ष की घोषणा भी की गई, जिसमें सर्व समिति से विनोद कुमार जोशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहपुरा को चुना गया। इस मौके पर विनोद जोशी, सुरेश कुमार मुंद्रा, कैलाश शर्मा, राजदीप अग्रवाल, योगेंद्र सोनी, गिरिराज व्यास, नेहा सैनी, आशीष खन्नी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। आज अपने शाहपुरा जिले में यहाँ महासंघ के जिलाध्यक्ष के नाते हमने भाई विनोद जी जोशी, जो कि यहाँ पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक में, उनको महासंघ के जिलाध्यक्ष की नई जिम्मेदारी शाहपुरा में जिले में दी है। निसंदेह इनके नेतृत्व में 15 दिवस में जिला कार्यकारिणी घोषित होगी और महासंघ के विभिन्न आयाम है वो सभी मूर्त रूप में संपादित होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। महासंघ ने गत दिनों मुख्यमंत्री से वार्ता की है। विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं हैं, विशेष रूप से वेतन विसंगति इत्यादि, उन समस्त समस्याओं के नाते आचार संहिता के पश्चात तत्काल ही मुख्यमंत्री जी से वार्ता की जाएगी और समस्त कर्मचारियों की वेतन विसंगति इत्यादि जितनी भी समस्याएं हैं उनके निराकरण के वार्ता कर प्रयास किए जाएंगे।